नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा हम करेंगे, जिसके वाइब्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, वाइब्रेशन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे चार्ट पे, और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से ऑर्बिट चेंज होने पे जो है वो क्या होता है, तो उस स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया लेदर इंडस्ट्री का मोस्ट रेस्पेक्टेबल नेम है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडस्ट्री अच्छी होने के साथ साथ जो है इसमें ट्रेडर का इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बाटा इंडिया जो है वो एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है, तो इसका आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में भी मजा आएगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाटा इंडिया का वाइब्रेशन नंबर। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बाटा इंडिया का यदि हम वाइब्रेशन नंबर निकालें तो BATA बाटा, इसको हम एक पार्ट में करेंगे और इंडिया का दूसरे पार्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोलते वक्त जो है वो सिर्फ बाटा को यूज करते हैं, और कुछ लोग जो है वो फुल नेम लेते हैं। तो हम दोनों तरह से करेंगे, और सबसे पहले अल्फाबेटिक को जो है वो नंबर्स में हम चेंज कर लेंगे। तो बी के लिए 2 होगा, ए के लिए 1, टी के लिए 4 और ए के लिए 1। तो 2 + 1 = 3, 4 + 7 + 1 = 8, यानी कि बाटा सिर्फ यदि हम बोलेंगे तो वो हमारा 8 आएगा, जबकि इंडिया I for 1, N5, D4, I1, A1, तो 1 1 2 4 6 5 11 and 12, तो इंडिया के लिए जो है वो हमको 12 आएगा। तो 8 + 12 यानी कि 20। तो बाटा इंडिया यदि एज ए होल यदि हम बोलते हैं तो हमको 20 का जो है वो 20 का वाइब्रेशन चार्ट जो है वो हमको बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको गैन स्क्वायर ऑफ 9 में जिस तरह से इंसर्ट करते हैं वाइब्रेशन नंबर को, उसको हम जो है वो डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमारा जो है वो नॉर्मल गैन स्क्वायर ऑफ 9 ही है, जो 1 से लेकर के 361 तक जो है वो जाता है। नॉर्मली मैं 361 तक ही रखता हूँ, क्योंकि ये फुल सर्कल है, और यहाँ पे हम वाइब्रेशन नंबर को जो है वो इंसर्ट करेंगे। हमारे जो रेगुलर व्यूवर हैं वो जानते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, तो ये सोर्स हमारा 1 ही रहेगा, और हम यहाँ पे फैक्टर जो है वो चेंज कर रहे हैं 20 बाटा इंडिया को, और ये हमारा जो इनर स्क्वायर जो है वो 7200 का जो है वो बन गया। यदि हम अभी का हाई देखें, मंथली चार्ट पे चले जाते हैं, मंथली चार्ट पे यदि जाने के बाद हमको अभी का ये रिसेंट हाई 2262, तो अभी अपने वो इनर स्क्वायर के अंदर ही है, 7200 के अंदर ही है। तो अभी देखते हैं कि रिसेंट में हाईएस्ट क्या था। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 2262। अब हम इसको चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली जो है वो हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को वाइब्रेशन नंबर के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो 2262, 2400, 2300 और ये उसका हो, फिर हमारा आता है 2200। तो इस बीच में उसका बनाया 2261 का नंबर पे, तो हमारा 2300, 2200, 2100, 2000, 1900, 1800, 1700, 1600, यहाँ तक हमारा 100 पॉइंट्स का जो है वो डिफरेंस है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अप टू 1600 तक जो है वो 100 पॉइंट्स का बनेगा, लेकिन जैसे ही 100 पॉइंट के नीचे, यहाँ पे आपको ये देखना होगा, जैसे ही 1600 के नीचे प्राइस जाएगा तो ये आपका 20 माइनस हो जाएगा और भी ज्यादा। 100 पॉइंट का डिफरेंस की जगह पे वो आपको 80 पॉइंट का डिफरेंस रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको पांचवें घर से जो है वो चौथे घर पे आ गया, इस वजह से जो है वो आपको वहां पे 80 पॉइंट्स का जो है वो आपको डिफरेंस जो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वो फिफ्थ हाउस से जो है वो फोर्थ हाउस में आएगा, फोर्थ हाउस में 20 से हम इसको फैक्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1600 से 521 के बीच में, यानी कि 80 पॉइंट्स का रह जाएगा, और ये जो है वो 964 तक जो है वो जाएगा, यहाँ से 1600 से 964। फिर उसके बाद यदि यदि नीचे यहाँ पे गया तो ये आपका 30 पॉइंट्स का गया है, कि यानी कि 20 पॉइंट्स का जो है वो हर घर में इंक्रीमेंट, यही होता है आपका गैन स्क्वायर ऑफ 9 का इम्पोर्टेंस। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है कि गैन स्क्वायर ऑफ 9 यदि आप देखें तो ये 8 का टेबल है, 8 का टेबल है, क्योंकि 1
वन, और यहाँ पे जितने नंबर्स रहेंगे, 8 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 8 ऐड किया, फिर आपको इन बिटवीन 9 से 25 के बीच में आपको 16 नंबर्स दिखेंगे। तो इस तरह से ये सारा जो है साइंटिफिकली बनाया हुआ, और इसी कारण से जो है वो हम इसको 361 तक जो है वो यहाँ पे कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब ये फुल सर्किल है, ये इनर सर्किल है, थereafter जो है वो आपको आउटर सर्किल बनाना पड़ेगा। तो ये 20 से जब करने पे हमारे लिए ये तैयार हो जाता है। तो आप इसको एक बार अपने हिसाब से इसको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। तो अभी मान लीजिए फिलहाल हम जो है वो 2200 का यदि हम बनाए, फिर हमको बनाना पड़ेगा इसको वीकली चार्ट पे ले आते हैं तो फिर हमको 2100 का बनाएंगे, तो वो जो है वो हम 1600 तक बनाएंगे। तो ये रहा 2100, और मेरा को आएगा 1500, 1300, 1300। अब यहाँ पे देखिए ये 1600 के बाद जो है आपको यहाँ पे 1521, 80 पॉइंट्स का डिफरेंस दिखाया, 1521 और 1441, 1521 और 1441। तो ये आपको ये चीज जो है वो थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ये कौन से घर में है ज्ञान के, और मतलब फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस, तो अकॉर्डिंगली जो है वो आप समझ पाएंगे, और फिर जो है वो आप इसको बैक टेस्ट कर पाएंगे, इसके एक सीक्वेंस को समझ पाएंगे। तो इस तरह से जो है वो वाइब्रेशन निकालने के बाद जो है वो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं कि वो चार्ट आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है, वो आप चीज जो है वो देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बाटा इंडिया का वाइब्रेशन नंबर। हमने वाइब्रेशन नंबर बाटा का और बाटा इंडिया दोनों को बताया। बाटा के लिए जो है वो हमने 8 नंबर दिया निकाला है, इंडिया 12 आएगा। दोनों को यदि साथ साथ यूज करेंगे तो 8 प्लस 12 यानी कि 20 आता है। तो आप इसको जो है वो अपने हिसाब से इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, और ये वाइब्रेशन नंबर बाटा इंडिया का जो है वो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहा, या आप क्या आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।